बिल्ली नाखून मारेगी या कोई भी ब्लेड वेड लगती है तो कटता नहीं, एकदम ज्यादा नोकी जाएगा तो कट जाएगा, नहीं लगता है भाई। किया वालों ने कांड कर दिया अपने साथ, गाड़ी ठोक के लाया बंदा। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 2:46, 2:46, मैं निकला हूँ जॉब से सुबह। एक्चुअली मैंने थोड़ा व्लॉग किया था लेकिन वो माइक जो है ना वो स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड प्लस हो गया था, स्टैंडर्ड प्लस में ना वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है तो पूरा हवा मेरा वॉइस सब क्रैक क्रैक हो रहा था। और ये वाला जो माइक का सेटअप है ना ये वही सेटअप है जो केदारनाथ में लगा हुआ था, लेकिन मैंने पुराने हेलमेट में लगाया हुआ है। तो अभी जो नया वाला हेलमेट है ना उसमें मैंने नया माइक लिया है बोयो का और वो बहुत सेक्सी साउंड करता है, लेकिन उसको है वो हेलमेट मैं रोज़ यूज़ नहीं कर पाऊँगा ना, वो सिर्फ मैं KTM पे यूज़ करूँगा क्योंकि इतना बड़ा हेलमेट या स्कूटी पे पहन के घूमूंगा लोग जोकर समझेंगे। बाकी सॉरी यार इतना डिले हो गया, व्लॉग नहीं आ रहा था इतने दिन से। दिक्कत ये थी कि मेरे कैमरा जो है GoPro वो मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद कोई भी डेटा अगर अपन मोबाइल में शिफ्ट करते हैं ना तो वो मतलब कनेक्ट नहीं करता था, उस प्रोसेस में कनेक्ट नहीं करता था, तो इसीलिए मैंने वो चेक करने के लिए दिया था तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आने के बाद भी वो ही प्रोसेस चल रहा है तो अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी जून का महीना चल रहा है आपको पता ही है, बारिश आ गई है। सबसे पहले मेरे को ये गाड़ी की सीट बदलनी है क्योंकि मेरे पास जो सीट है वो कुशन वाली सीट है, तो कुशन के जो ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है ना वो सारे धागों के अंदर पानी जाता है, तो जब अपन बैठते हैं ना तो वो पूरा कुशन सोख लेता है पानी, अपन जब बैठते हैं तो वो फिर से स्पिल आउट करता है मतलब वापस बाहर फेंकता है तो अपना पूरा कपड़ा वपड़ा गीला हो जाता है। और मेरे यहाँ पे बिल्लियाँ भी इतनी है ना उन्होंने फाड़ फाड़ के और बहुत सारे छेद कर दिए है तो वो सीट अब बेकार हो गई है। तो मुझे अभी जाके सबसे पहले आज मेरी बाइक की सीट मतलब ये स्कूटी की सीट बदलवानी है, तो उसमें वो बिल्ली का जो रेजिस्टेंट है मतलब उसमें नाखून मारेगी तो फटता नहीं है वैसा कोई सीट आया है अभी, पता नहीं वो सच है झूठ है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि हाँ यार सच है नहीं होता है, बिल्ली के नाखून मारने से भी नहीं फटती है, तो वही लगा लेंगे। रेस्ट केदारनाथ से आने के बाद चिल तो किया मैंने, लेकिन यार ब्लॉग करने को बहुत मिस कर रहा था, सिर्फ इतना है कि बोल सकते हो आप कि मेरे को आलस भी थी, मेरी भी गलती है और टेक्निकल गलती भी है, अब किसी की गलती नहीं रहेगी, अब ब्लॉग आएंगे वापस। पिछला केदारनाथ का ब्लॉग डालने के बाद 10 दिन हो चुके हैं, कौफा बीच में आके शेट कर रहा है, वाह थग लाइफ। तो केदारनाथ से आने के बाद ना मैंने बहुत सोचा कि इसका एक ब्लॉग बनाऊँ कि डार्क साइड ऑफ केदारनाथ ये वो, लेकिन यार अपने को अपने भगवान के बारे में, ऐसा तो अपना भगवान तुम्हारा भगवान ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपने को वैसा सब बोलना तो नहीं है, बात सिर्फ ये है कि वहाँ पे जो धंधा चालू कर दिया है ना ये लोग ने पैसा लूटने का, उनके हिसाब से वो कहीं ना कहीं सही है कि चलो हमको बस इतना ही टाइम मिलने वाला है कमाने का, उसके बाद जैसे सीज़न ख़त्म फिर हमको यही पैसे से पूरा टाइम चलाना है, ठीक है। लेकिन यार तुम ऐसे आसमानी भाव लगाओगे मतलब, तो वो बात हो गई कि मुर्गी सोने के अंडे रोज़ दे रही है एक 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 एक, लेकिन इसको पेट काट के पूरे अंडे लेने जो कुछ नहीं मिलना है फिर बाद में, ये वैसा सीन हो गया। आप लोगों ने देखा मेरे साथ कैसे किया है घोड़े वाले ने, ये वो 2-3 सीन ऐसे हुए ना हमारे साथ जिसमें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पे ना मेरा कैमरा बंद था, या मैं किसी फैमिली मेम्बर को वीडियो कॉल करके मंदिर दिखा रहा था, दर्शन करवा रहा था। तब एक सीन ये हो गया कि पंडित ने संजय से 4,000 रुपये ले लिए हमको VIP दर्शन करवाने के हिसाब से, क्योंकि लाइन बहुत बड़ी थी, 4,000 देने के बाद भी उस टाइम को नॉर्मल लाइन में लगाया, बोलते आगे मिलता हूँ, लेकिन वो पुजारी आगे आया ही नहीं, हम लोग पैसा देने के बाद भी सिर्फ पूरी लाइन से आधी लाइन के अंदर घुसे और उसके बाद दर्शन तो वैसे ही होने थे जैसे सबके हो रहे थे, तो यहाँ पे 4,000 ठग दिए। संदीप के पास से एक पुजारी ने 500 का नोट लिया और ऐसे कुछ करके गायब करके वो हाथ में से नोट गायब और रुद्राक्ष हाथ में आ गया, उसके हाथ में रुद्राक्ष दे दिया, ये सीन संदीप के साथ हुआ सोलो अकेला, जब संदीप अकेला था साथ में कोई नहीं था उसके। और थर्ड हमारे साथ ये हुआ कि मेरा झगड़ा हो गया था पिट्ठू वाले के साथ, बस इतनी सी आर्ग्यूमेंट की वजह से कि वो इंसान को लेके चल रहा था अपने बास्केट में तो वो नीचे देख के चल रहा था, ठीक है, और मेरा ध्यान था सब देखने में माउंटेंस एंड ऑल फ़ोटो वोटो खींचने में, तो मेरा शोल्डर उसके शोल्डर से टकराया, मैंने सिर्फ उसको बोला भाई देख के चल, तो वो मुझे बोल रहा है मैं नहीं देख के चलूँगा, मैं नीचे ही देख के चलूँगा, तू क्या कर लेगा। और ये दो जन थे, चाहता तो वहाँ पे लड़ाई हो सकती थी और ऑलमोस्ट होने भी वाली थी, लेकिन पुलिस ने आके फिर उसको धक्का वक्का दे के बोल दिया कि साले नेपाली तेरी वजह से हम पहाड़ी लोग का नाम खराब होता है,
तू तो चले जाएगा काम करने के बाद, हम पहाड़ी लोग का नाम खराब होगा अगर वो यूट्यूब पे डाल देगा तो। लेकिन तभी मेरे हाथ में सिर्फ सेल्फी स्टिक थी, लेकिन मेरा कैमरा ऑन नहीं था, पुलिस वाला कैमरा ऑन है। तो ये सारी चीज़ें यार, उनको लगता है कि सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड काम आज हमको जो करना है वो ये है कि अपनी कार किया सेल्टोस उसका हो गया है कांड हुआ है कंपनी से। कोई नई किया की कंपनी खुली है, मतलब फ्रेंचाइजी खुली है शॉ किया BKC में, जिसका सर्विस सेंटर है सेंटा क्रूज कलीना। उनका फोन आया, अब इनके साथ मेरी क्या बातें हुई है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले सीट वीट बनवा लेते हैं, घर पे जाके खाना खा लेते हैं, फिर मेरे को वैसे भी वहाँ पे निकलना है तो टैक्सी में ही जाना पड़ेगा, तो टैक्सी में बैठ के ये चीज़ की बात करते हैं, क्योंकि पूरी बात अगर ऐसे मोटो व्लॉगिंग नहीं करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। आप लोग बोलोगे शक्ल तो दिखाई नहीं रहे। चलो मिलते हैं सीधा सीट कवर बनाते वक्त। ये पुराना कवर अपना, इसमें ना पानी वानी घुस जाता है, ये जो सिलाई है ना सब, इसमें से पानी अंदर घुस जाता है, ये सब पड़ जाता है, बिल्ली ने पूरे कांड कर दिया। तो अभी नया सीट बनाएंगे, उसमें भी स्पंज डालेंगे, लेकिन अभी उन लोगों के पास एक ऐसा रैगजीन है ना, मतलब जिसमें बिल्ली नाखून मारेगी या कोई भी ब्लेड वेड लगती है तो कटता नहीं, एकदम ज़्यादा नोकी जाएगा तो कट जाएगा, लेकिन इतने में नहीं कटता, बिल्ली से बचेगा और सिलाई भी नहीं लगेगी तो पानी अंदर नहीं जाएगा। ये अपनी ओरिजिनल सीट के ऊपर एक अलग से कवर लगाया, क्योंकि कवर के ऊपर अपने को स्पंज लगाने का, तो ओरिजिनल सीट के ऊपर स्पंज लगाएंगे ना तो नेक्स्ट टाइम कुछ भी बदलने लगा तो ओरिजिनल सीट डैमेज हो जाएगी, इसलिए इसके ऊपर कवर लगाया अलग से। उस पर अब ये स्पंज लगेगा, स्पंज लगने के बाद वो वाला कवर लगेगा जो अपने को चाहिए। अभी ये गम लगा रहे उसमें, फिर ये स्पंज इसके ऊपर लगेगा, कटआउट बनेगा और उसके बाद बिल्ली वाला जो स्क्रैच रेजिस्टेंट वाला ये है ना कवर वो लगेगा। वो बिल्ली वाला मटेरियल बताना, कुछ करामत करके दिखा इसमें ज़्यादा एकदम नोकीला ब्लेड वेड रहेगा तो लफड़ा हो जाएगा ना, कितना नोकीला बता 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 पहले बता। ओके नहीं लगता है भाई, अंदर मारना यहाँ अभी अपना कवर लगने वाला है ना। अच्छा के लिए अभी वो तो देखते हैं, हमारे बिल्ली यहाँ की निंजा टेक्निक वाली वापरेगी तो फाड़ ही देगी वो। इसको शेप में काटने के बाद ये एक्स्ट्रा फोम जो बचता है उसको यूज नहीं करते क्या अपन? भाई एकदम सच बोलते हैं, दूसरी सीट पे यूज होता है वो, अपने पे नहीं होगा। सही है, ये काम थोड़ा दर्द वाला है ना, सीट पे कपड़े पहनाने के लिए वैसे ही करना पड़ रहा है। हो गया, घुमाना उसको, नाखून मार के देखो क्या बिल्ली का। चल सही, आ जा लगा दे। ये इसको धोना पड़ेगा बाबा, बारिश में तुमको गाड़ी मेरी मैली ही दिखने वाली है, तो फिर वो देख के मेरी हाइजीन को जज मत करना, ठीक है? क्योंकि ये जो सब होता है ना, ये ऊपर से जो पत्तों के ऊपर का डाग या मैल मट्टी वट्टी सब उसके ऊपर से गिर के गाड़ी पे आता है। बाकी इसको फॉलो करो, ये बंदा बहुत अच्छा है, इसको फॉलो करो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? लफड़ा लफड़ा मारो मारो, हो गया। चलो ये तुम्हारा ओरिजिनल क्या ओरिजिनल गेटअप आ गया, जैसा ओरिजिनल आता ना। वो सीट लगा ली, नहा धो के निकल गए अभी अपन, मैंने ओला बुक की है तो वहाँ पे जा रहे हैं, BKC जाना है अपने को। देखते हैं BKC जाने के लिए कितना टाइम लगता है अपने को यहाँ से। तो कार अपनी पहुँची है 7 रास्ते पे, अब ये सर्कल घूमने के बाद हम लोग यहाँ पे खड़े यहाँ पे आएंगे। दिया वालों ने कांड कर दिया अपने साथ, अब वो क्या कांड किया है ना 10 मिनट में आपको बता दो, जैसे गाड़ी आएगी ना अंदर बैठ के फिर बात करेंगे, अभी बहुत धूप और ये सब है।
टैक्सी मिल गई, टैक्सी में बैठ गई भाई के साथ। भाई ने अपने लिए थोड़ा हेल्प किया रास्ते में, रॉन्ग वे नहीं है, रॉन्ग वे एक्चुअली वन वे बनाया है, लेकिन सुबह शाम को रॉन्ग वे बन जाता है, तो ऐसे को थोड़ा है कंजेस्टेड है। तो बात आपको मैं बता रहा था कि मैं वो कहाँ जाना है और क्यों जा रहा हूँ मैं। तो मैं जा रहा हूँ अपने शौक किया करके एक नई फ्रेंचाइजी खुली है BKC में। मैंने जहाँ से मेरी कार ली थी वो थी वर्ली में। BKC में कोई शौक किया कि नई फ्रेंचाइजी खुली है, वहाँ से मुझे कॉल आता है फ्राइडे को 2-3 दिन पहले कि सर हम लोग ने नई फ्रेंचाइजी खोली है, हमारे शौक किया कि BKC में ये है और हमारा कलीना में हमने सर्विस सेंटर खोला है। तो जितने भी किया के ओनर्स हैं ना, हम उनको कॉल कर रहे हैं और कॉल करके उनको बुला रहे हैं कि आपको फ्री सर्विस देंगे। मतलब वो सर्विस नहीं जो गाड़ी में आती है फ्री में, मतलब 30-40 चेकअप्स हो गए फ्री में, फिर वैक्सिंग पॉलिशिंग करके देंगे, गाड़ी धो के देंगे, अंदर से वैक्यूम क्लीनिंग करके देंगे। तो मैंने बोला ठीक है संडे को मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर दो, मैं आ जाता हूँ क्योंकि फ्री में। तो बोलता सर संडे को फुल है। मैंने बोला तो मैम कैंसिल कर दो क्योंकि संडे के अलावा मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरा सुबह 6 बजे की ड्यूटी होती है। उन्होंने बोला सर आपका पिकअप एंड ड्रॉप भी फ्री हो जाएगा, हमारे यहाँ का ड्राइवर हम भेज देंगे। तो इसीलिए मैंने हाँ बोल के मंगवा लिया बंदा मैंने मंगवाया था यहाँ पे शांतिनगर मेरे घर पे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मैंने उसको बुलाया कि चल जॉब पे आ जाना, क्योंकि जॉब पे मेरे को गाड़ी लेके जाऊँगा, वहाँ से ही बंदा लेके निकल जाएगा, क्योंकि मेरे घर के यहाँ से ना बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो कार निकाल ना पाया, कुछ हो गया तो गाड़ी को। तो फिर वो जॉब पे आया, जॉब पे आने के बाद मेरे पास एक गाड़ी लेके सुबह 8 बजे वो निकल गया। जब वो बंदा आया था ना, तो मैंने उसके पास ID मांगी थी कि आपकी ID कहाँ पे, ताकि अपने को भी श्योरिटी चाहिए ना भाई वो बंदा कहाँ का है क्या है, गाड़ी लेके निकल गया। तो वो बोलता है सर नई कंपनी है तो ID हमारी बनी हुई नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है अब देखते हैं कैसे क्या करता है। तो उसने चेकअप वेकअप बराबर किया, जो भी फोटो खींचना था फोटो खींच के गाड़ी लेके चले गया। 2 बजे आने को मैंने उसको बोला कि 2 बजे आएगा तो यहीं पे आना, 3 के बाद आएगा तो मेरे घर पे आना। 2 बजे वो बंदा आ रहा है, मैंने बोला कहाँ पे पहुँचा, तो बोलता है हाजी अली, तो मतलब मेरे घर से कुछ मतलब मेरे जॉब से 10-15 मिनट। तो मैंने बोला चलो ठीक है आ जाएगा, तो वो हिसाब से मैंने उसको वापस कॉल किया। अब बंदा बोलता है कि सर मैं आपके जॉब के आके एक सर्कल पे हूँ, बस 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। 2 मिनट का उसने 20 मिनट किया, मैं कॉल कर रहा हूँ बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, कंपनी में कॉल कर रहा हूँ कंपनी वाले बोलते हैं कि सर मैं कनेक्ट करता हूँ उससे। कनेक्ट किया तो पता चला कि इनके ड्राइवर ने मेरी गाड़ी ठोक दी है, ठीक है। तो अब बंदा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा क्योंकि उसको डर लग रहा है कि ओनर से मैं क्या बात करूँगा। तो मेरी गाड़ी उसने ठोक दी, अब वो कैसे ठोकी है क्योंकि गलती उसकी रहेगी इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, ठुकी है मेरी गाड़ी पीछे से। बंदा बोलता है टेम्पो वाले ने ठोका है। अब टेम्पो इतना तो छोटा नहीं है कि भाग जाएगा, मैंने बोला टेम्पो वाला है किधर, बोलता है सर वो भाग गया। गाड़ी ठुकती है तो पीछे वाले की भी फटती है, वो भी रुकता है 2-5 मिनट, और भागने के लिए अगर टेम्पो भाग भी गया तो वो टेम्पो है ना कहीं ना कहीं तो रुकेगा, कोई ना कोई सिग्नल पर रुकेगा, आगे रुकेगा। बाइक है तो एक बार छोड़ सको, चलो बाइक निकल गई हो, लेकिन बाइक से इतना बड़ा डैमेज भी नहीं होता है, पूरी गाड़ी मेरी पीछे ठुक गई है। वो क्या है मैं वीडियो आपको बताता हूँ इसके। अभी किया वाले को मैंने गाड़ी दी थी सर्विस करने के लिए, पिकअप एंड ड्रॉप फ्री दिया था लोग ने, और गाड़ी ठोक के लाया बंदा, ये पूरा पीछे से ठोक दिया है, यहाँ पे भी स्क्रैच है नीचे, ये ड्राइवर है भाग रहा है, पड़ रही है उसकी। तो अभी हम लोग शौक किया जा रहे हैं क्योंकि उनका कल कॉल आया था कि सर आपकी गाड़ी हम वेनसडे थर्सडे तक दे देंगे, लेकिन तो भी उन्होंने थोड़ा जल्दी कर दिया है। मैंने उनको बोला मेरा इंश्योरेंस इसमें यूज़ नहीं होना चाहिए, और आप जो भी करके दोगे ना मेरे को नया पार्ट सब कुछ नया डाल के देना, मेरा PPF भी मैंने जो करवाया है वही PPF मेरे को चाहिए। अब देखते हैं वो लोग कैसे बना रहे क्या बना रहे, मैंने डिलीवरी नहीं ली अभी तक, मैं डिलीवरी लेने जा रहा हूँ। तो अभी जो भी है मैं सीधा आपको वहाँ पर बताता हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीलिंग से, जो वाली सीलिंग है, तो मैंने अभी कोस्टल रोड देखा, कोस्टल रोड पूरा कनेक्ट करने वाले सीलिंग को शायद, क्योंकि मैं देखो ये रास्ता अगर आपको दिख रहा है तो देखो, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है नीचे से नहीं दिख रहा है, और बारिश भी खतरनाक आने वाली है। ये देखो वो पिलर्स दिख रहे हैं जो, तो वो सीलिंग से कनेक्ट होने वाले हैं। BKC तो बोला है यहाँ पे बांद्रा कुर्ला, लेकिन हम लोग कलीना ही आए हैं एट दी एंड सेंटा क्रूज में, ये जो लिखा है पता नहीं अभी रास्ता क्या हिसाब से लेके जा रहा है, लेकिन अभी पहुँच तो गए हम लोग। देखते हैं अपनी गाड़ी यहाँ पे है या, क्योंकि दो शोरूम है ना,
एक शोरूम है और एक सर्विस सेंटर है। गाड़ी यहाँ पे है सर्विस सेंटर में वो पता नहीं है, बाकी पेमेंट वेमेंट करते फिर निकल के आपको शोरूम में मिलता हूँ। गाड़ी देखते हैं अपनी कहाँ पे है, क्या हालत में है, कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टूट पट्टी कर रहे हैं या सही से बना रहे हैं। बारिश बहुत जोरदार आई है यहाँ पे सामने सर्विस सेंटर है। शायद ये गाड़ी अपनी होगी, इसका ट्रंक वंक बना हुआ है, अपना पीछे का खराब हुआ था ना, वो देखते हैं अभी कौन सा है। ये रही अपनी गाड़ी। ये भाई है अपने रोमिन परेरा राइट। इन्होंने अपने को पूरा हेल्प किया है, अभी देखते हैं गाड़ी सही बनी है नहीं बनी है। ये वापस लगाया गया स्टिकर बाद में, टेल लाइट नया कर दिया। हाँ। ये क्या, ये नया डाला है या उसको ही बनाया पक्का? हाँ मेरा ये चैनल है। ओके और इसको कर दिया? नहीं मैंने ये देख ये नहीं किया है, मैंने बोला था इसको करने के लिए। चैनल है सुना तो उसको लगा के। सो फार सो गुड, गाड़ी तो मतलब लग नहीं रही अभी कुछ। देखो यहाँ पे लगा हुआ था और ये मेरा अभी क्रोम जो है वो अंदर पड़ा है, वो लगा देंगे। बाकी ये स्क्रैच वो लोग से आया था, अभी वो सही कर देंगे यहाँ पर। और ये पार्ट ये नया बन गया, यहाँ पे डेंट आया था। इसको क्या किया मतलब काम, इसको काम क्या किया ट्रंक को? ये सारी इतना पेंट किया, क्या पेंट किया है? और जो उसका ये डैमेज हुआ था वो डेंटिंग किया, डेंटिंग किया। थैंक यू सर, व्हाट्स योर गुड नेम? बॉस्को। यार जस्ट गिव मी द शेयर द ईमेल आईडी। आर यू टेकिंग द कार टुडे? यार यू कॉल मी यस्टरडे टू टेक द कार। पेंटिंग सब करेंगे फिर। सो व्हाट टाइम विल इट टेक? तो गाड़ी एक्चुअली वो लोग आज नहीं दे रहे, इसीलिए नहीं दे रहे, दे तो रहे थे लेकिन मैंने फिर उनको एक पॉइंट बता दिया कि यहाँ पे आपका अभी भी स्क्रैच है, मेरे को ये हील करके चाहिए, और प्लस यहाँ पे ना ये हुआ है तो इसको पॉलिशिंग करना बाकी है। तो ही इज़ लाइक कि सर अगर आपको दे रहा हो तो पूरी सेटिस्फाइड होकर आपको गाड़ी दे दूँ, मतलब अच्छे से दे दूँ। सो आई वाज़ लाइक चलो ठीक है एक और दिन ले लो कोई बात नहीं, लेकिन कल मैं नहीं आऊँगा, कल आप गाड़ी डिलीवर करके दे देना। तो ये जो क्रोम यहाँ का बचा हुआ है ना एक्स्ट्रा, वो अंदर पड़े हैं दो क्रोम, एक यहाँ का और एक यहाँ का, तो वो क्रोम वो अपने को दे देंगे और अपन PPF अपने बंदे से करवाएंगे, फिर वो जो चार्जेस होगा वो इनको बताएगा, फिर ये पे कर देंगे वहाँ पे। तो वी हैव नथिंग टू सी अबाउट इट, तो अपन कल गाड़ी मिल जाएगी अपने ऊपर। तो अभी अपन वापस कैब पकड़ के निकल जाते हैं। चलो कोई नहीं, कम से कम गाड़ी देख ली, शोरूम देख लिया, ऑल गुड। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा अपने को गाड़ी तो आज मिली नहीं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें उन्होंने अभी भी चेक की थी कि क्या है क्या नहीं, वो सब क्लियर कर लेना। गलती अपनी नहीं है, सामने वाले की है, कंपनी ने की है, तो फिर कंपनी को भर के तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो अभी गाड़ी तो वो लोग पूरा बना के दे देंगे अपने को, छोटी मोटी जो भी स्क्रैचेस लगे थे मैंने बोला चलो कलर मार के दे दो, छोटा सिल्वर कलर का, तो बोला चलो कलर मार के दे दो। तो कल गाड़ी वो लोग भेजेंगे, फिर से मैं नहीं जाऊँगा, जाने आने में मेरा 1000 रुपये ऐसे ही वेस्ट हो गया, तो फिर मतलब नहीं है जाना आना ये। तो फिर मैंने बोला कल अपना कोई अच्छा ड्राइवर भेज देना और उसको गाड़ी मेरे यहाँ पे मतलब भिजवा दो, तो कल अपनी गाड़ी आ जाएगी। आज आप लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देख लिया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, शेयर करो सबको, सब्सक्राइब करो, फैमिली बढ़ाओ, फैमिली अच्छे से ग्रो हो रही है हमारी और बढ़ाओ। और सॉरी ये ब्लॉग बहुत लेट आया है, पिछले केदारनाथ के ब्लॉग के बाद का ये पहला ब्लॉग है, लेकिन अब कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, कंटेंट थोड़ा ढूंढना भी मुश्किल है, फिर वो कैमरा का मैंने आपको सीन बताया, कोई बात नहीं, अब आते रहेंगे ब्लॉग्स। Till then, Tata bye bye, take care of yourself, enjoy the rains.